हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय भोले की। तो आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान शंकर महादेव और पार्वती मैया आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जिसके मन में जो भी है भगवान उसको वो सब मिले और मेरा चैनल भी ग्रो करे। तो चलिए, बस ये तो मैं कहूँगी, क्योंकि भाई मैं तो बस बहुत टाइम हो गया आप लोगों के ऊपर और ठाकुर जी के ऊपर ही हूँ, क्या होता है पता नहीं है, पर अपनी मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है, जो सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह ये होते हैं वही चल रहे हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो पूजा पाठ भी करना है और तैयारियाँ भी करनी है, क्योंकि जो व्रत रहे हैं हम सब लोग व्रत रहे हैं, बस भैया और पापा को छोड़ करके। और यहाँ पे कैमरा जो है राघव के हाथ में, जो कि ज़्यादा हिला रहा है आज, ये भी हिला रहा है कृष्णा की तरह। और यहाँ वही वही कुछ भी हो, सुबह सुबह के काम तो ये होते ही हैं। तो बस ये देखिए लेके आए हैं बेलपत्री, और बेलपत्री अभी ऐसे ही आ रही है, ज़्यादा वैसी हरी वाली नहीं थी, क्योंकि पतझड़ का मौसम आ गया है, पत्ते भी पीले से और झड़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ऐसे ही आ रही हैं, बोले हाँ ऐसी ही आ रही हैं, जैसी मिल गई बस इसमें से छाटनी पड़ेंगी ठीक ठाक सी। कैसी आती, मतलब निकल आए पूजा के लिए तो पता नहीं था कि कैसी होंगी, तो उसमें से मैंने छांटी थी फिर, तो एक दो ही निकले थे, सारे पत्ते ही बेकार थे। और यहाँ पे बस दूध भी आ गया था, तो मैंने इनसे कह रही थी कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, चाय बना दो दूसरी। तो ये कह रहे थे नहीं नहीं तू ही बना, मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दो, जल्दी तभी हो जाएगा। क्योंकि अब तक यहाँ तक तो हम लोगों का विचार था कि मंदिर जाएंगे, पर उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था सुबह मंदिर पूजा करने के लिए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मी कह रही थी तुम दोनों चले जाना, और हम दोनों का प्रोग्राम था, लेकिन फिर कृष्ण राघव की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि राघव के इंजेक्शन लगना था, तो ये ले भी गए थे जल्दी लगवाने, बस इसी के बाद चाय वाय पीने के बाद ही ले गए थे, लेकिन वहाँ पता चला कि इंजेक्शन था ही नहीं। फिर ये लौट के इन्होंने कहा कि हरमंदिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर कृष्णा राघव को जो है, मैं कृष्णा भूल जा रही हूँ बार बार, राघव को दोबारा मतलब कहीं से इंजेक्शन फिर मंगाया था बाहर से, फिर उसके लगा था, क्योंकि लगना आज की रेट में था, इस वजह से मंदिर सुबह का तो हो ही नहीं पाया था। फिर हम लोग शाम को गए थे मंदिर, तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मतलब इतना आनंद आया था मंदिर में कि बहुत बढ़िया सा गजब का प्रोग्राम हो रहा था, हम लोग गए थे उसके बाद। तो बस फिर उसके बाद हम लोग करने लगे थे यहाँ पे पूजा, नहा धो करके मम्मी मैं और कृष्णा, राघव तो था नहीं, ये भी नहीं थे, ये दोनों तो हॉस्पिटल गए थे, तो हम तीनों ही थे। तो हम लोगों की बस यहाँ पे पूजा, क्योंकि घर पे ही कर ली थी, मैंने आपको बताया कि मंदिर नहीं जा पाए थे मम्मी की तबीयत की वजह से और राघव की वजह से, तो बस घर पे ही हम लोगों की पूजा हो गई थी। और फिर वही है, देखो मानो तो सब जगह है और ना मानो तो कहीं भी नहीं है, मंदिर में भी भगवान नहीं है अगर दिल से श्रद्धा से न करो तो। भुजगेन्द्रहारं सदा वशन्तं हृदयात् विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव। और यहाँ पे फिर पूजा करने के बाद मैं अपना जो भी मुझे पाठ करना था वो मैं करने बैठ गई थी। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, वैसा भी फलहार का भी बनाना है और वैसा भी बनाना है। तो बस पूजा करने के बाद अभी चलते हैं सीधा किचन में।
और यहाँ मैं कुछ आपको सामान दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने व्रत का आटा मंगाया था आज, कूटू का और उसका सिंघाड़े का। वैसे तो मैं सिंघाड़े का हमेशा घर पे ही बना लेती हूँ, लेकिन अब की बार नहीं हो पाया था। ये काली मिर्ची मंगाई थी, ये भी मैं साबुती मंगाती हूँ, घर पे ही पीसती हूँ, क्योंकि इस काली मिर्ची में अक्सर मिलावट होती है। काली मिर्ची में मिलावट जो है पपीते के बीज की ज़्यादातर हो जाती है। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ में केले की सोंठ, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी भी, और फटाफट बन जाती है, व्रत में बहुत अच्छी लगती है। केले वैसे नहीं खाए जाते हैं, बट उस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो है केले ले लिए हैं, 6-7 केले हैं, इनको मैं छील लेती हूँ। तो देखिए इनको मैंने छील लिया है, अब हम क्या करेंगे, इनको काट लेंगे गोल गोल, पतले पतले स्लाइस में काटने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं अच्छे लगते हैं, पतले पतले स्लाइस में ही हम इनको काट लेंगे। यकीन मानिए ये केले की सौंठ जो है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो वैसे केले नहीं पसंद करते, लेकिन इस तरीके से बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट भी लिया है केले को, देखो। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, या आप बूरा भी ले सकते हैं, तो मेरे पास बूरा था मैंने वही ले लिया है, पिसी चीनी भी ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने 3-4 चम्मच भर के डाली है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब उसके बाद मैं ऐड करूंगी यहाँ पे व्रत वाला नमक। आप अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं काला नमक, बहुत अच्छा लगता है इसमें काला नमक का टेस्ट, और वाइट नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ भुना हुआ, तो वो डाल दिया है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे काली मिर्ची, काली मिर्ची भी डालिए क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे, वैसे तो इसमें काली मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, और जीरा है भुना हुआ। और उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये चीनी घुलेगी ना, जो बूरा घुलेगा, तो ये अपने आप ढीली होती जाएगी, थोड़ा सा पानी छोड़ देगी ना, तो एकदम सौंठ जैसा ही ये टेक्सचर ले लेगी बिल्कुल। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें एक चीज़ मिलाने को और रह गई है, वो भी मैं मिलाऊंगी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, अभी थोड़ा सा सूखा सूखा सा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही बहुत पानी छोड़ देगी, तो एकदम से गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, वो बहुत अच्छा लगता है इसमें, नींबू का रस आप डालेंगे। तो ये हमने आधा नींबू लिया है, तो वो मैं डाल दूंगी इसका रस निकाल करके। और फिर से इसको मिक्स कर लीजिए, देखिए पहले से भी बहुत ज़्यादा ढीली हो गई, अभी और भी हो जाएगी, थोड़ा सा और थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देगी बहुत ज़्यादा। तो बन गई है हमारी यहाँ पे सौंठ फटाफट से। अब देखिए अब आपको दिखा रही थी, अब और हो गई है ढीली सी, क्योंकि केले भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा, और जो चीनी हमारी है वो भी पानी छोड़ती है। और अब हम तैयार हुए हैं मंदिर जाने के लिए शाम के टाइम, तो आज मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ, जो बहुत ही प्यारा सा नज़ारा मंदिर में है। ये देखिए मंदिर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे भोले बाबा दूल्हा बने बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे थे सच में। कैमरे में तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रही, ये गौरा माता का पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ है, देखिए कितनी सुंदर लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ आप सुन ही सकते हैं बहुत ही मधुर सा संगीत चल रहा था, भजन संध्या शुरू होने वाली थी। और ये देखिए यहाँ मिल गए थे हमारे गुरुजी, जो देख रहे हैं आप, इधर ही देख रहे थे वो हमारी तरफ। तो ये है हमारे संगीत गुरुजी, जिनसे हमने कुछ थोड़ी सी शिक्षा ली थी, थोड़ी दिन कुछ दिन के लिए, तो उन्हीं की यहाँ भजन संध्या चल रही थी, उन्हीं की विद्यालय की तरफ से। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि एक तो अपनी गुरुजी की तरफ से थी, तो इन्होंने हमें यहाँ पर कहा कि आप लोग भी आओ बैठो, और मुझे भी सौभाग्य मिला था यहाँ गाने का, अपना
प्रस्तुति देने की कुछ उनके कहने से, गुरु जी के ही कहने से। तो बस मैं अभी आपको पूरा मंदिर पहले दिखाती हूँ और फिर आपको सुनवाएंगे, गुरु जी से भी मिलवाएंगे। और सच बताऊँ मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ भजन संध्या वगैरह हो रही है, नहीं तो मैं खाना बना करके जाती, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं गई थी। मैंने सोचा आके खाना बना लेंगे, पहले दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि सुबह नहीं आ पाए थे इसलिए। और यहाँ पर देखिए श्रृंगार हो रहा है गौरी मैया का, आज श्रृंगार करने से बहुत फल मिलता है गौरी माँ का। तो सोचा भी नहीं था सच में, आज तो भगवान ने ऐसी वो सुनी कि मैंने सोचा भी नहीं था। पहली बार मैंने जो है, आप कहेंगे कि ससुराल में पहली बार मैंने ऐसे सामूहिक कोई गाना गाया है, तो वो आपको मैं सुनवाऊंगी। और बस यहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे थे सभी देवी देवताओं के, क्योंकि आप मंदिर का जो निर्माण चल रहा है ना, तो जो मूर्तियाँ आप देख रहे थे पहले रखी थी यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर रखी हुई हैं, अभी स्थापित नहीं करी गई हैं मंदिर में। वो प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से होगी, अभी ये मुझे नहीं पता है कि नहीं आएंगी क्या होगा, वो सब बात की मुझे पता नहीं है, बाद में अगर होगा तो हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो यहाँ पे देखिए सभी सुहागिन स्त्रियाँ और जो कुंवारी कन्या है वो भी, आज के दिन कहते हैं जो कुंवारी कन्या व्रत रखती है ना, सच्चे भाव से गौरी माँ का श्रृंगार करती है ना, उनको मन चाहा वर मिलता है, जो भोलेनाथ जी जैसा वर मिलता है। तो बहुत ही मतलब पावन पर्व है आज का। तो यहाँ पे अभिषेक भी हुआ था, क्योंकि छोटे छोटे कई शिव मंदिर भी हैं इस मंदिर में, इसका नाम शिव समाधि मंदिर है, बहुत ही मतलब माना हुआ मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया था, ये पंडित जी हमारे यहाँ भी जैसे हमको अनुष्ठान वगैरह कराते हैं तो यही आते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे, आगे आपको नवग्रह देवताओं का मंदिर भी मैं दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारा सिद्ध मंदिर है। और आगे आपको जो व्लॉग मिलेगा वो भजन संध्या का होगा, जिसमें मैंने भी गाया था, महादेव जी ने मुझे भी मौका दिया था अपने विवाह में गाने का। तो मैं तो सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी जो आज मेरे साथ में हुआ है। वो व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, और इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर होंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा लेना, इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, कल मेरा वीडियो आप देख पाएँ। बाय बाय, राधे राधे।